नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। अभी जो FCI की वैकेंसी न्यू आई है उसमें क्या क्या आपकी एलिजिबिलिटी है, क्या सिलेबस रहेगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, कौन कौन से लोग इसको भर सकते हैं, उसके बारे में मैं डिटेल्स जानकारी दूंगा। बाकी सब कुछ डिटेल जो है मैक्सिमम आपके PDF में लिखा हुआ, उसे आपको लोग रीड कर लेंगे एक बार तो सभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन जो एक ओवरव्यू जो होता है ऊपर से कि क्या फॉर्म में क्या क्या है, वो मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक है। जो समस्याएं होंगी और उसके बाद भी कोई समस्या है तो आप कमेंट करिएगा, तो हम लोग समाधान करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा, और जो लोग चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो ये आपका जो आया है जोन वाइज रिक्रूटमेंट है, ये आप नॉर्थ जोन, साउथ जोन, ठीक है, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन से आप भर सकते हैं। ये जोन वाइज मैनेजमेंट ट्रेनिंग और मैनेजर्स इन FCI के लिए ये पोस्ट है। तो जब आपका जो पोस्ट है इसमें मैनेजर वाला, वो जनरल है, DOPT है, मूवमेंट है, अकाउंट है, टेक्निकल है, सिविल इंजीनियर और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पोस्ट है। जब आप सेलेक्ट होके जाओगे तो 6 महीने की ट्रेनिंग होगी, और उस समय जब एज ए ट्रेनर रहोगे तो आपको एक बोला जाता है मैनेजमेंट ट्रेनीज, ठीक है, ये पोस्ट मिलती है। और उस समय आपको जो स्टिपेंड मिलेगा, जो आपको भत्ता मिलेगा, वो 40,000 का मिलेगा। सिर्फ इन हैंड सैलरी मिलेगा 40,000 रुपया, कोई भी अलाउंसेस नहीं मिलता है ट्रेनिंग के समय में। बाद में जब आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लोगे तब जाके आपका जो भी अलाउंसेस रिलेटेड हो गए आपकी सैलरी वो पूरी बनती है, ठीक है। तो 40,000 से लेकर 1,40,000 तक इसका पूरा रेंज है, पे स्केल जो बोला जाए। और इसमें बोला है कि इन केस ऑफ मैनेजर, हिंदी मैनेजर के केस में आपको डायरेक्टली अपॉइंट किया जाता है, कोई भी ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती है। और आगे देख लेते हैं और क्या क्या इसमें ज़रूरी आपको इन्फॉर्मेशन है। बाकी यहाँ पर जो देखो मैनेजर की जो पोस्ट है आपकी जनरल वाली, इसमें आपका यहाँ पर रेंज दिया है सैलरी का, आपका ये रहेगा पैटर्न। पोस्ट कोड इसका A है, ठीक है, ये ध्यान रखना, ABC। 28 साल इसकी मैक्सिमम एज लिमिट है, और नंबर ऑफ पोस्ट जोन वाइज है। ये नॉर्थ जोन का है तो आप जोन वाइज अप्लाई कर सकते हो इसको, ठीक है। तो जैसा जिसमें पोस्ट होगा उसके अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये सब आप नोटिफिकेशन के PDF से पढ़ लेना कि किसमें कितनी वैकेंसी है, किस जोन में कहाँ आप सुटेबल रहोगे, ठीक है। उसके बाद से हम लोग थोड़ा सा इसके उस पर आ जाते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है। एज का रिलैक्सेशन वही है, OBC हो तो भैया OBC के लिए आपका 3 साल का रिलैक्सेशन है, और जो SC ST हैं उनके लिए 5 साल का है, और जो कोई FCI का कर्मचारी है तो उसका अपर एज 50 साल की है, ठीक है। बाकी आपके रिलैक्सेशन लिखे हुए हैं कि किसको क्या क्या मिलेगा। और जो सर्टिफिकेट है वो ध्यान रखना, सर्टिफिकेट जो होता है आपका OBC का नॉन क्रीमी लेयर वाला, वो आप कब का बनाओगे, ये सब कुछ इसमें डिटेल में दिया गया है। तो पहले हम लोग एक बार इसको देख लें कि क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए आपका, वो जरूरी है। तो क्वालिफिकेशन अगर हम जनरल मैनेजर की बात करें, जनरल मैनेजर की, उसके लिए आपको ग्रेजुएट डिग्री चाहिए या उसके इक्विवेलेंट कोई भी चल जाएगा, लेकिन 60% मार्क्स चाहिए आपके ग्रेजुएशन में, मिनिमम 60% होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद CA ICW CS या तो ये हो। इन केस ऑफ SC ST या PWD कैंडिडेट, मिनिमम परसेंटेज मार्क्स एल बी 55% इंस्टेंट ऑफ 60। 60 की जगह पर इन लोगों को जो फिजिकली डिसेबल वाले हैं, चाहे SC ST हैं, उनके लिए 55% मार्क्स आपका चाहिए, बाकी के लिए आपका 60%। DOPT में, डिपार्टमेंट वाले में, इसमें मैनेजर वाले में आपको इसमें भी सेम चीज़ है, ग्रेजुएशन ही मांगा है, कोई एक्स्ट्रा आपका नहीं मांगा है कि आपका ग्रेजुएशन के साथ इतना होना चाहिए, बाकी सब कुछ सेम है। मूवमेंट वाले में अगर हम बात करें, मैनेजर मूवमेंट में, तो यहाँ पर भी आप देख रहे हो कि 60% ग्रेजुएशन ही मांगा है, कुछ भी नहीं मांगा। तो ABC जो कोड है आपके पोस्ट का, इनमें आपके जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो सेम है। तो इन तीनों पोस्ट को कोई भी ग्रेजुएट कैंडिडेट जो 60% मार्क्स पाया है वो भर सकता है। लेकिन अकाउंटेंट वाले में आप आ जाओगे तो यहां पे आपको थोड़ा सा देखना है कि अकाउंटेंट वाले में क्या मांग रहा है। एसोसिएटेड मेंबरशिप ऑफ, ठीक है, आप मेंबरशिप हो द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, जो आप CA की तैयारी करते हो तो इसके थ्रू आपको, मतलब आप उसके मेंबर हो, चाहे कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया हो, चाहे कंपनी सेक्रेटरीट, किसी की CS की चाहे CA की प्रिपरेशन में आप उसे क्या हो, एक तरह से अपना इनरोल्ड कराए हो इसमें, तब आप भर सकते हो। और या BCom डिग्री हो आपके पास, साथ ही साथ आप पोस्ट ग्रेजुएट फुल टाइम MBA फाइनेंस से किए हो, या डिप्लोमा मिनिमम 2 साल का आप किए हो फाइनेंस से, तो आप एलिजिबल होगे। फिर पार्ट टाइम अगर MBA फाइनेंस से किए हो आप, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट पार्ट टाइम MBA फाइनेंस,
डिप्लोमा नॉट इन द नेचर ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन नहीं चलेगा, मिनिमम 3 साल का होना चाहिए आपका डिप्लोमा। इस केस में अगर फुल टाइम आपका ग्रेजुएशन है, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन है, तो 2 साल का डिप्लोमा चलेगा, दो, ठीक है। और यहां पर देखो, पोस्ट ग्रेजुएशन एमबीए फाइनेंस से हो, डिग्री या डिप्लोमा, यहां देखो डिग्री या डिप्लोमा हो, पोस्ट ग्रेजुएट फाइनेंस से डिग्री या डिप्लोमा, डिस्टेंस लर्निंग नहीं चलेगा, कम से कम 3 साल का होना चाहिए। इसमें डिग्री या डिप्लोमा 2 साल का होना चाहिए फुल टाइम वाले में, पार्ट टाइम में 3 साल का होना चाहिए, ठीक है। सी वाला क्या बोला है कि पोस्ट ग्रेजुएट एमबीए फाइनेंस से होना चाहिए, डिग्री हो या डिप्लोमा हो, बाय डिस्टेंस एजुकेशन मोड, ठीक है, रिकॉग्नाइज बाय यूजीसी, एआईसीटीसी और डीईसी ज्वाइंट कमिटी, तब चलेगा। समझ रहे हो किसके द्वारा चलेगा? ये यहां पे लिखा हुआ है कि पोस्ट ग्रेजुएट एमबीए फाइनेंस से डिग्री लिए हो या डिप्लोमा, बाय डिस्टेंस एजुकेशन मोड, रिकॉग्नाइज बाय यूजीसी और एआईसीटीसी और डीईसी कमिटी से आपका अप्रूव्ड है, तब चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा, ठीक है। अब बोला है टेक्निशियल के लिए, मैनेजर के लिए, तो बीएससी एग्रीकल्चर होना चाहिए आपका किसी भी यूनिवर्सिटी से, तब कर सकते हो। बीटेक या बीई डिग्री फूड साइंस में हो, ठीक है, वो आप अप्लाई कर सकते हो। बीटेक या बीई डिग्री फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी या फूड टेक्नोलॉजी या फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी या फूड प्रोसेस इंजीनियरिंग या फूड प्रोसेसिंग या फूड प्रिजर्वेशन टेक्नोलॉजी से हो, तब आप अप्लाई कर सकते हो। और क्या बोला है, बीटेक डिग्री या बीई डिग्री आपका एग्रीकल्चर इंजीनियर से है, तब अप्लाई कर सकते हो। या आपके पास बीटेक या बीई डिग्री बायोटेक्नोलॉजी या इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी से है, ध्यान देना, इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी से या बायोकेमिकल इंजीनियरिंग से या एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी से, इन सभी से में से किसी में से आपका है बीटेक या बीई, तभी भी आप अप्लाई कर सकते हो इस वाले पोस्ट के लिए। अच्छा, एफ वाला पोस्ट जो सिविल इंजीनियर वाला है, इसमें साफ साफ बोला है कि आपके पास क्या होना चाहिए, डिग्री होना चाहिए किसमें, सिविल इंजीनियरिंग में, ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। डिग्री बोला है, डिप्लोमा नहीं बोला है। इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले में जो मैनेजर बनेंगे, उनके लिए डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग फॉर्म रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, तब भी आप अप्लाई कर सकते हो, इस बात को ध्यान रखिए। हिंदी वाले के लिए साफ साफ बोला कि मास्टर डिग्री आपका होना चाहिए, हिंदी मैनेजर आपको बनना है तो मास्टर डिग्री होना चाहिए यूनिवर्सिटी से, हिंदी विद इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट ऑफ डिग्री लेवल, मतलब हिंदी के साथ इंग्लिश आपका सब्जेक्ट होना चाहिए डिग्री लेवल पर, मास्टर डिग्री होना चाहिए आपके पास और इक्विवेलेंट इन इंग्लिश विद हिंदी एज ए सब्जेक्ट इन डिग्री लेवल, समझ रहे हो। बोला है यहां पर कि मास्टर डिग्री ऑफ ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट इन हिंदी, ठीक है, हिंदी में आपकी मास्टर डिग्री हो साथ ही साथ इंग्लिश सब्जेक्ट हो, या मास्टर डिग्री आपके पास हो किसमें, इंग्लिश में, और हिंदी आपके पास उसमें सब्जेक्ट हो उसके साथ, तभी भी चलोगे। मास्टर डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट, उसके इक्विवेलेंट एनी सब्जेक्ट विथ हिंदी और इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट एट द डिग्री लेवल, समझ लो कोई भी सब्जेक्ट से आप मास्टर कर रहे हो लेकिन हिंदी और इंग्लिश आपके डिग्री लेवल में है, तभी भी आप अप्लाई कर सकते हो डिग्री लेवल में, ग्रेजुएशन में, ठीक है। मास्टर डिग्री ऑफ ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट इन एनी सब्जेक्ट विथ इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी एज ए सब्जेक्ट एट द डिग्री लेवल, ठीक है, ये विथ हिंदी एंड इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट बोला है यहां पर। और यहां बोला है कि अगर मास्टर डिग्री है आपके पास या उसके इक्विवेलेंट किसी भी सब्जेक्ट से विथ इंग्लिश मीडियम में, ठीक है, और हिंदी आपके एज ए सब्जेक्ट रहा है किसी डिग्री लेवल पे, तभी भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। बाकी वही सेम चीज है, मास्टर डिग्री आपका होना चाहिए किसी सब्जेक्ट में विद हिंदी मीडियम से हो और इंग्लिश आपका सब्जेक्ट है डिग्री लेवल में, तभी भी अप्लाई कर सकते हो। और क्या बोला है, साथ ही साथ ये बताना, ये जरूरी है इसमें मैनेजर हिंदी वाले में आपका ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन के साथ साथ यहाँ एंड लगा दिया है, मतलब यहाँ पे ये भी पॉइंट जरूरी है। ये पॉइंट बोला कि 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑफ टर्मिनोलॉजी वर्क इन हिंदी एंड और ट्रांसलेशन वर्क ऑफ फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी और वाइस वर्सा टेक्निकली और साइंटिफिकली लिटरेचर, ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं ये आपको जॉब मिलेगा। 5 साल का वर्क आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए ट्रांसलेशन में हिंदी टू इंग्लिश वाला या इंग्लिश टू हिंदी वाले में, ठीक है। और बोला क्या, ये ना हो तो ये हो, 5 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग या रिसर्च राइटिंग या जर्नलिज्म इन हिंदी, ठीक है,
हिंदी में जर्नलिज्म में या टीचिंग में या कोई रिसर्च वर्क आप हिंदी में कर रहे हो उसका 5 साल का एक्सपीरियंस है तब आप बोल सकते हो। बाकी ये तो जनरल सी चीज़ है कि आपको संस्कृत और मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज आना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस होना चाहिए, उतना कोई मायने नहीं रखता है। आ जाते हैं फिर आपका जो जानने लायक है आपका कि हाँ आप हाँ रिजर्वेशन और रिलैक्सेशन मैंने जो मैंने बात किया था, तो सबसे पहले जो कास्ट सर्टिफिकेट आता है, जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपका क्या होना चाहिए, जो एज का यही छूट है 5 और 3 ओबीसी और एससी एसटी और ओबीसी के लिए, एससी एसटी के लिए 5 साल और उसके लिए 3 साल, एफसीआई का कोई कैंडिडेट है तो 50 साल मैक्सिमम एज लिमिट है। जो भी आपका क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है या एज लिमिट है वो सब कुछ 1/8/2022 से पहले पहले का होना चाहिए, ठीक है, 1/8/2022 से। और जो उसके बाद से कुछ सर्टिफिकेट के बारे में मैं बता दूं कि जो आपका ओबीसी वाला सर्टिफिकेट है, नॉन क्रीमी लेयर का जो सर्टिफिकेट बनता है, वो 1/4/2022 के बाद का होना चाहिए। कब का होना चाहिए? 1/4/2022 के बाद का होना चाहिए, 1 अप्रैल के बाद का। और उसके बाद से जो ईडब्ल्यूएस वाले होते हैं, ईडब्ल्यूएस वाला भी जो आपका होगा सर्टिफिकेट वो फाइनेंशियल ईयर 2022 और 23 का होना चाहिए। देखो ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट होगा वो फाइनेंशियल ईयर 22 और 23 का होना चाहिए, इसका ध्यान रखना, तभी आप एक्सेप्ट होगा ईडब्ल्यूएस के। अब मोड आप देखे सिलेक्शन प्रोसेस क्या है कि इसके जनरल, डिप्टी, मूवमेंट, अकाउंटेंट, टेक्निकल, इन सभी के लिए द सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा ऑनलाइन टेस्ट, इंटरव्यू और ट्रेनिंग है। सिलेक्शन प्रोसेस विल बी कंसिस्टिंग ऑनलाइन टेस्ट और इंटरव्यू मैनेजर हिंदी के लिए। हिंदी के लिए सिर्फ आपका क्या होगा, टेस्ट होगा और इंटरव्यू होगा, और उस वाले में ट्रेनिंग भी है। आ जाओ, ऑनलाइन टेस्ट जो होगा वो 2 फेज होगा, फेज 1 और फेज 2 होगा। फेज 1 ऑनलाइन टेस्ट देखो ये फॉलो है करेगा। फेज 1 में क्या होगा, इंग्लिश लैंग्वेज होगा, 25 क्वेश्चन, 25 नंबर, 15 मिनट, टाइम बाउंडेशन है, 15 मिनट मिलेगा। रीजनिंग आपका 25 क्वेश्चन, 25 मार्क्स का 15 मिनट। आपका मैथ्स वाला सेक्शन भी 25 क्वेश्चन होगा 15 मिनट में। जनरल स्टडीज में इसने बांट दिया है, क्या बोला है, जनरल स्टडीज, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, जनरल साइंस अप टू क्लास 8 लेवल 20 क्वेश्चन रहेगा, मतलब इन सबको मिलाकर जीएस से, और 5 क्वेश्चन करंट अफेयर से रहेगा, साफ साफ इसने बोल दिया है। तो करंट का टेंशन नहीं लेना, 25 क्वेश्चन 15 मिनट का ये भी रहेगा, दोनों लैंग्वेज में पेपर होगा, टेंशन नहीं है। 100 क्वेश्चन 100 नंबर 60 मिनट में आपको करना है, ठीक है। बैंक की तरह एक टाइम बाउंडेशन भी दे दिया है, मल्टीपल एमसीक्यू टाइप का होगा, 1/4 आपका निगेटिव होगा, ठीक है, 1/4 आपका निगेटिव होगा। अब देखो यहां फेज सेकेंड ऑनलाइन टेस्ट विल बी कंप्रोमाइज फॉर, देखो यहां बोला पोस्ट ए के लिए, बी के लिए और सी के लिए और डी के लिए, पेपर 1 ओनली होगा। इसके लिए ए बी सी लिए के लिए क्या है, यहां पर देखो पेपर 1 होगा, ये तो फेज 1 है, फेज 1 है आपका। उसके बाद से जब फेज 2 में आओगे तो ऑनलाइन टेस्ट में, इसमें आपका एक पेपर 1 ओनली होगा, और इसके फेज 2 में पेपर 1 एंड पेपर 2, ठीक है, यहां पर पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों होगा। किसके किसके पोस्ट के लिए, डी ई एफ जी के लिए, और एच के लिए जब जाओगे तो 3rd एंड 4th पेपर भी होगा। अभी वो पेपर पे हम आ जाते हैं कि क्या होगा। अब देखो पेपर जो फेज 2 है ऑनलाइन टेस्ट का, तो वो पेपर 1 का क्या है, फेज 2 में जो पेपर 1 होगा वो तो फेज 1 का था, वो तो सबको देना ही देना है। जब फेज 2 में आओगे आप, तो फेज 2 में आपका जो पेपर 1 है उसमें आपका 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, 1 नंबर का 1 होगा, 90 मिनट आपको समय मिलेगा। यहां पे साफ साफ लिखा है कि फेज 2 में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, देख लो यहां पर निगेटिव, देयर विल बी नो निगेटिव मार्किंग इन फेज 2 एग्जामिनेशन, ठीक है। तो यहां पर पेपर 1 किस किस पोस्ट के लिए है, ए बी सी पोस्ट के लिए है, जो ए बी सी पोस्ट है आपका उसके लिए, ए बी सी के लिए सिर्फ पेपर 1 होगा फेज 2 में। फेज 1 तो आप देके आओगे, उसको करोगे तो फेज 2 में आपको सिर्फ पेपर 1 होगा, ठीक है। इसका अभी सिलेबस हम लोग देखेंगे बाद में। उसके बाद स्पेसिफिक पेपर 2 जो होगा वो 60 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, 60 मिनट का होगा। और जो पेपर 3 होगा मैनेजर हिंदी के लिए, पोस्ट एच के लिए बोला है, इसमें आपका क्या होगा, 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा 90 मिनट का। अब पेपर 4 क्या होगा, ये भी मैनेजर पोस्ट के लिए होगा, इसमें पैसेज ट्रांसलेशन रहेगा, इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश, ऐसे लिखने के लिए रहेगा, प्रिसाइज राइटिंग रहेगा,
ठीक है, तो ये टोटल आपके 90 मिनट का होगा। अभी हम एक एक करके पेपर का देख लेते हैं कि क्या क्या इसमें रहेगा। देखो पेपर वन है, ये फेज का पेपर वन है। फेज टू में जब जाओगे तो फेज टू का पेपर वन जो आपका एबीसी पोस्ट, इन तीनों के लिए जो सिंपल ग्रेजुएशन है उनके लिए देना है फेज टू एग्जाम। तो उसमें क्या क्या आएगा, देखो इंग्लिश 25 क्वेश्चन, 25 मार्क्स का टाइम बाउंडेशन नहीं है, क्या है टाइम बाउंडेशन है 20 मिनट का। अब यहां थोड़ा बढ़ा दिया गया, 25 क्वेश्चन 25 नंबर, 20 मिनट आपको टाइम दे दिया गया। रीजनिंग आपका वही 25 क्वेश्चन 25 मिनट, 25 मार्क्स 20 मिनट दे दिया गया। एप्टीट्यूड भी वही है। और यहां पर देखो जो आपका जनरल स्टडीज है, यहां पर जनरल स्टडी कंप्रोमाइजिंग इंडियन हिस्ट्री, इंडियन इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, 25 क्वेश्चन यहां से रहेगा इंडियन हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी से। और जनरल साइंस से लेकर क्लास 10 लेवल का 10 क्वेश्चन साइंस रहेगा, साफ साफ बोला है यहां पर। ठीक है, तो टोटल जीएस के 45 प्रश्न आपके बनेंगे यहां पर, जीएस के 45 प्रश्न, 45 नंबर, 30 मिनट आपको समय मिलेगा, जिसमें से हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी, पॉलिटी का नाम ही नहीं लिया है, 25 क्वेश्चन आपके यहां से रहेंगे। और साइंस से आपके 10 क्वेश्चन, तो 35 हो गए। और करंट अफेयर 5 क्वेश्चन और आपका कंप्यूटर के 5 क्वेश्चन, तो ये 45 हो गया टोटल। तो यही 45 प्रश्न आपके रहेंगे फेज टू एबीसी पोस्ट के लिए, जो सिंपल जहां ग्रेजुएशन मांगा है, कोई एक्स्ट्रा नहीं मांगा है। ठीक है, पेपर टू वाले जो होंगे अपना देख लेना कि उनका क्या क्या आ रहा है, उनका सिलेबस में क्या क्या है। ठीक है, तो उनका यहाँ पे पेपर टू वालों का सिलेबस यहाँ पे दिया है, सिलेबस आपका दे दिया गया है सबका। बेसिक अकाउंटिंग वालों का दे दिया गया है, जो भी लोग होंगे फाइनेंशियल, टैक्सेशन, ऑडिटिंग, ये सब दिया है। मैनेजर टेक्निकल पोस्ट ई वालों के लिए यहाँ सिलेबस दे दिया कि आपका क्या होगा, केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है। सिविल इंजीनियर वालों का दे दिया है। जो एबीसी पोस्ट वाले हैं उनको पहला फेज देना है, उसमें क्वालिफाई हुए तो फेज टू में सिर्फ पहला पेपर देना है, ये ध्यान रखना। और मैक्सिमम बच्चे उसी को होंगे, बाकी जो होंगे टेक्निकल वो अपना देख लेना कि आपको क्या क्या देना है पेपर में। पेपर थर्ड के बारे में यहां दिया गया है। तो ये आपका जनरल रहा, जो मैंने जनरल तरीके से जो उन बच्चे थे जो जिसके लिए अप्लाई कर सकते हो, सिंपल ग्रेजुएशन वाले 60% वाले, उनके लिए क्या क्या जरूरी वो मैंने बता दिया। बाकी आपके नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ है, जो एक्स्ट्रा हैं बीटेक वाले हैं, बीकॉम वाले हैं, जो उनके लिए अलग पोस्ट के लिए अलग क्वालिफिकेशन मांगा है, तो वो अपना सिलेबस यहाँ से देख सकते हैं, अपना पेपर देख सकते हैं सेकंड फेज में कौन कौन है। लेकिन पहले फेज में सबको, पहला फेज जो है सबको एक ही पेपर देना है। समझ में आ रही बात? ठीक है, अगर कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई डाउट है तो आप इस वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूँ, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।